हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज का वीडियो मैं शुरू करूंगी अदिति बी के कमेंट से। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये लिखती हैं कि दिस इज़ अ वंडरफुल चैनल एंड मैम वीडियोस आर वेरी यूजफुल ऑल ऑफ अस, लेट्स मेक 1 मिलियन फैमिली सून, प्रमोट दिस चैनल। थैंक यू अदिति। उसके बाद मोहम्मद फैसल लिखते हैं कि जो आपने पाउडर बताया था वो मैं एक वीक से यूज़ कर रहा हूँ और जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू फैसल फॉर योर रिव्यू। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज का जो वीडियो है वो एक है मोस्ट पावरफुल आफ्टर वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन ड्रिंक। प्रोटीन रिच ड्रिंक है क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद आपको प्रोटीन रिच डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है वो हमारे टिश्यूज़ को बनाने में, उनको हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे और मेरे नए वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो ये ड्रिंक बनाने के लिए मैंने लिया है 3 चम्मच सत्तू का आटा, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मैंने लिया है कोकोआ पाउडर और हनी। अगर ज़रूरत हो तो लेंगे, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मत लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। मैं बात कर रही थी प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का एक जो मसल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनको बनाने और उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसलिए हमें अपनी डाइट में इसको एडिक्वेट मात्रा में, मतलब सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है प्रोटीन लेने का, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। चना सत्तू जो है इसमें मैक्सिमम प्रोटीन होता है। इसके साथ हम और भी एक आध चीज़ लेंगे जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जैसे इसमें मैंने जीरा और अजवाइन मिलाया है तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत पसीना आता है, उस पसीने से डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को रिहाइड्रेट करने के लिए ये ड्रिंक बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी एक ड्रिंक बनके तैयार हो गई है, इसमें आपको कोकोआ फ्लेवर मिलेगा, बहुत टेस्टी है। दूसरी ड्रिंक भी मैंने सत्तू से ही बनाई है। अच्छा, इसमें मैं जैसा कि बताया आप चाहें तो इसमें हनी मिला सकते हैं, ना चाहें तो ना मिलाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अगली ड्रिंक की तरफ बढ़ते हैं। अगली ड्रिंक में भी मैंने 3 चम्मच लिया है चना सत्तू, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मैंने लिया है पीनट बटर और थोड़ा सा लिया है सिनेमन। इन सब चीज़ों को भी ब्लेंड करना है। चना सत्तू जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जितनी एनर्जी आपने वहाँ पर लगाई है वर्कआउट करने में उतनी एनर्जी आपको रीगेन करेंगे। और इसमें कैलरी कम होती है तो आपको कैलरी नहीं मिलेंगी बट एनर्जी मिलेगी। इसके ये खास करके गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा होता है, गर्मियों में भी नहीं लगती क्योंकि इसकी तासीर ऐसी होती है। इसके साथ साथ ये इससे हमें मिलता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फोरस। जिंक जैसा कि आप जानते हैं ये आजकल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिंक वगैरह लेना, क्योंकि टाइम भी ऐसा चल रहा है। तो वर्कआउट के बाद ये क्यों लेना चाहिए उसकी मैं बात कर रही थी, क्योंकि जब वर्कआउट करते हैं पसीना आता है तो बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। उस कमी को पूरा करने के लिए अगर हम कोई ड्रिंक लेते हैं इस तरीके से बना के, प्रोटीन ड्रिंक अपने घर में बना हुआ है, मार्केट का सप्लीमेंट में लेने की बात नहीं कर रही हूँ, चना सत्तू से जो आपको मिलेगा प्रोटीन बहुत फ़ायदेमंद होगा और उसके साथ फाइबर और बाकी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, बाकी न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, तो इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी रिच फॉर यू। तो ये हमारा दूसरा ड्रिंक भी बन के तैयार हो गया है। ये जो ड्रिंक्स हैं ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखते हैं, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखते हैं। तो वर्कआउट के बाद अगर किसी को मसल पुल हो जाते हैं या मसल्स में पेन होता है तो ऐसा एक पावरफुल ड्रिंक लेने से वो पेन भी नहीं होगा, मसल पुल भी नहीं होगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आप आराम से अगले दिन भी वर्कआउट कर पाएंगे। तो वर्कआउट के बाद 15
मिनट से लेके 40 मिनट तक का जो टाइम होता है जिसको एनाबॉलिक विंडो कहते हैं, उस विंडो में ये ऐसा कुछ ड्रिंक ले लेना चाहिए जिससे मसल्स सही रहें। तो ये एक आसान तरीके से बनने वाला ड्रिंक है, आप घर में बना सकते हैं। मैंने इसमें मार्केट से कुछ नहीं लिया है, चना सत्तू लाए और बना लिया। बहुत हेल्दी, बहुत पावरफुल होगा, आप इसे बना के देखिए, टेस्टी भी बहुत है। आप इसके पूरे फ़ायदे उठाएं, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।